मैं इसका साउंड प्ले कर रहा हूं, ठीक है। मैं दूसरा गाना कुछ प्ले कर रहा हूँ। कंटिन्यूअस एक ही गाना नहीं बजा सकता। हेडफोन लगा के सुनिएगा, लेकिन साउंड बिना हेडफोन का कुछ पता नहीं चलेगा। इतना ऑसम है ना, इतना ऑसम है ना, क्या बताएंगे। ब्लूटूथ से मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो गाना मैं जिस मोबाइल से मैं प्ले कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, वो प्ले नहीं होगा। इसमें और भी बहुत सारा फंक्शंस है। अपना इक्वलाइजर के लिए भी एक एप्लीकेशन है इसी का, कंपनी का, वो कनेक्ट करके भी उससे भी ये कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आपका इक्वलाइजर ही कनेक्ट होता है, मैंने एक तरह का क्रॉसओवर कह लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट गाना मैं प्ले कर रहा हूँ कुछ। इतना डिजिटल आवाज, ये 90s का गाना है। हाँ 90s का होगा ये गाना, 90s या 2000 का गाना। देख इतना मस्त डिजिटल क्लियर, देख रहे नोट्स, म्यूजिक नोट्स, सब हेडफोन पहनने सबको पता चलेगा। इस तरह का स्ट्रीमर आपको अभी तक फिलहाल को इंडियन चैनल में मिला है, ऐसा इंडियन हाईफाई बोल के एक चैनल है, वो इसी तरह का हाईफाई प्रोडक्ट्स उसमें वो सेल करते हैं, उसमें देखे होंगे, लेकिन ऐसा दूसरा कोई चैनल में आपको देखने नहीं मिलेगा। वो अजीब अजीब तरह का चीज मिलता है। क्रिस्टल क्लियर एकदम है साउंड। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ गाना सब आपको। डीप बेस और भी बेस है इसमें, डीप बेस है, उतना दूंगा तो रात में अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ प्रॉब्लम होगा। इतना शायद आप लोगों के लिए काफी रहेगा, बाकी अगर किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं मेरे चैनल पे। मैं उतना प्रोफेशनली फिलहाल तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि फोन का से क्या माइक से रिकॉर्डिंग हो रहा तो सब कैच हो रहा है, मेरा वॉइस हो आपका ये चाहे गाना प्ले कर रहा हूँ वो जितना बढ़िया रहेगा उस तरह कैच पड़ेगा, लेकिन सराउंड का इफेक्ट उतना पता नहीं, लेकिन जो गाने में जो डिटेलिंग्स जो है वो आपको पता चल जाएगा उसी से, क्योंकि वो डिटेलिंग्स ऐसे नहीं है, क्योंकि आएगा तभी तो रिकॉर्डिंग होगा, तो वो आ रहा है तभी आप रिकॉर्ड सुन पाएंगे, और उसको और बढ़िया से सुनने के लिए डिटेलिंग्स को आपको हेडफोन यूज़ करना पड़ेगा। उसमें आपको बहुत सारा अंदाज़ा मिल जाएगा जो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ मेरा जो एक्सपीरियंस अभी यहाँ पर बैठ के जो रिकॉर्डिंग करो वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, वो आपको खरीदने के बाद ही आपको और प्ले करने के बाद ही आपका रूम में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा।
लेकिन नियर अबाउट आपको अंदाज मिल जाएगा जो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो बहुत सारा जो चैनल सब में रहता है, एक तो अलग से स्पीकर खरीद लिया, कोई बॉक्स का ठिकाना नहीं है, ठिकाने चैनल में अच्छा पैसा कमा रहा है, कैसा कैसा मानसिकता वाला आदमी है। और वैसा सब्सक्राइबर भी रहता है एक एक ठो, जो उसको प्रॉपर वो चीज़ प्रोवाइड भी नहीं कर पा रहा है, कम से कम बोले सब्सक्राइबर, अरे ढंग का एक तो बॉक्स में उसको फिट करो, तब ना उसका फ्रीक्वेंसी बढ़िया से आएगा, उसमें बेस आ रहा है कि नहीं आ रहा वो पता चलेगा, ट्रैवल कितना तरह का आप ठीक से प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। क्योंकि जब तक इनक्लोजर नहीं होगा तब तक स्पीकर टेस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो कितना भी बड़ा यूट्यूब चैनल क्यों ना हो, कोई मतलब नहीं है। और छोटा सा एक ठो चार इंच, दो इंची का, चार इंची का एक ठो स्पीकर लेकर साधारण सा, और उसमें बोलेगा प्रॉपर हम वूफर का हम मजा ले, वूफर स्पीकर में अंतर है वो उसको भी पता है जो बना रहा है चैनल वाला, लेकिन वो क्या बेकूफ बना रहा है एक तरह से, क्योंकि पब्लिक उतना जागरूक है नहीं, पता नहीं है क्यों नया नया सब्सक्राइबर आते रहता है। तो जिसको जैसा जो बेकूफ बना रहा है बनते जा रहा है, और उसी में सोच रहा है वो बहुत महान काम कर, वो कोई ये वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, सही चीज लीजिए, सही रुक कर लीजिए, थोड़ा बेहतर चीज लीजिए। लेकिन ये जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये चाइनीज मेरा डिकोडर है, अच्छा चीज है, पैसा के हिसाब से, कम पैसा के हिसाब से बेहतरीन चीज है। और भी अगर कुछ जानना है डिटेलिंग वगैरह तो मेरे को मैसेज आप कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिए बोलेंगे तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि मैं ये काम के लिए नहीं करता, मेरा प्राइमरी जॉब अलग है, ये ऑप्शनल में है। और हाँ, जानकारी मैं दे दूंगा जरूर, चाहे वीडियो के माध्यम से अगर हो सके तो मैं वैसे दे दूंगा, और नहीं तो अगर कमेंट के थ्रू होगा तो कमेंट के थ्रू मैं आपको दे दूंगा। और कोई टेक्निकल बात मैं उतना नहीं करूंगा, जिससे आपको बात समझ में आ जाए मैं वही चीज कहूंगा, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, जो मेरे को पता है, जितना मेरे को जानकारी है वही चीज़ मैं बताऊंगा। अगर वो जानकारी थोड़ा मोड़ा भी है तो मैं कह दूंगा हाँ मेरे को थोड़ा मोड़ा जानकारी है, इसके बारे में उतना डिटेलिंग नहीं है, या फलना जगह से मैं सुना हूँ या वहाँ से मैं सुना हूँ, मैं इसी तरह का कह दूंगा, कुछ बनाने वाला नहीं है। हाँ, जो है रियल है वही बात मैं कहूँगा। और इतना ही बोल के मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए, मतलब थोड़ा अगर उसके लिए कोई सुझाव दे रहे हैं, फिलहाल मैं उसको सुन लूँगा, इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं हो पाता है, भविष्य में मैं ऐसा करूँगा अगर जब प्रोफेशनल तरीक़ा से हो जाऊँ तब। और एवीआर में एक तो लूँगा मैं बाद में, एवीआर एक्चुअल होता है आपका जो आपको मैंने दिखाया डिकोडर, ये माफ़ कीजिएगा, ये जो डिकोडर है, ये डिकोडर बोर्ड है जो डॉल्बी एटमोस हो गया आपका, डॉल्बी डिजिटल हो गया, इसको डिकोड करने के लिए डिकोडर का ज़रूरत पड़ता है। और ये मेरा 5.1 चैनल का एम्पलीफायर है, ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर एक एवी रिसीवर बनता है, ठीक है, एवी रिसीवर में पूरा कंप्लीट रहता है, और उसमें आपका डिकोडिंग के लिए बोर्ड भी रहता है और इनबिल्ट आपका एम्पलीफायर भी रहता है, पावर एम्पलीफायर उसको बोलेंगे, ठीक है, प्रीएम्प नहीं रहता, पावर एम्पलीफायर रहता है, प्रीएम्प भी छोटा छोटा रहता है, वो मतलब एसएमडी कंपोनेंट की तरह रहता है, तो वो कंप्लीट बॉक्स रहता है। और ये थोड़ा सस्ता में है, उसी तरह का थोड़ा सा ये दे देता है, और डॉल्बी का जो भी सपोर्टिंग रहता है वो एक्चुअल परचेस किया हुआ नहीं रहता है, क्रैक वर्सन आप बोल सकते हैं, क्रैक वर्सन रहता है, उसी लिए कम प्राइस में मिल जाता है, तो प्रॉपर उतना मिलता है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जो आपका परचेस किया हुआ रहेगा लाइसेंस के थ्रू जो लेके उसमें डेवलप किया रहेगा उसमें तो क्वालिटी कुछ अलग रहेगी। और ये रहा चाइना के बॉर्डर, इसमें रहेगी अलग, और उसको जब लूँगा मैं तब मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। और ये जितना सारा मैंने आपको स्पीकर का फोटो दिखाया, ये मेरा खुद का कस्टम मेड है, इसका डिटेल जानना है तो देख लीजिएगा, वीडियो में पीछे का वीडियो में है, फिलहाल थंबनेल में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, पुराना वीडियो अगर देखिएगा सबसे पुराना वाला में, उसमें आपका होगा वीडियो। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसको और बेहतर कैसे किया जाए, ऐसा कोई सुझाव हो तो दीजिएगा, अगर मेरे से वो चीज़ इम्प्रूवमेंट हो पाएगा तो मैं ज़रूर करूँगा उसको। थैंक यू, धन्यवाद।